हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं निकोला टेस्ला के बारे में। के निकोला टेस्ला जो थे, आप सभी जानते हैं, वो बहुत ही बड़े आविष्कारक हुए हैं, बहुत ही बड़े इंजीनियर थे, वैज्ञानिक हुए हैं बहुत बड़े। और वो हमेशा अपने जीवन में 369 कोड पर अपनी पूरी जो लाइफ है उसे फोकस करते थे, उस पर डिपेंड रहते थे। और उनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा मिराकुलस उन्होंने अपने आप में भी किए हैं। और आज हम सब उनका नाम जो इतना फेमस है हम सभी जानते हैं, वो उन्होंने मुमकिन किया 369 कोड की वजह से। तो क्या है ये 369 कोड, इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है, अगर आपकी कोई भी विश है, आपकी कोई भी विश है, कोई भी डिज़ायर है, वो आपको पूरे फोकस के साथ इस 369 कोड पर अप्लाई करना है। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे मिराकल होना शुरू हो जाते हैं। जो भी आप चाहते हैं वो चीज़ आपके जीवन में उतर जाती है, आपके जीवन में आ जाती है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, हाई वाइब्रेशन की मदद से, आप अपने जीवन में वो घटना घटित करवा लेते हैं परमात्मा से मिल करके। जी हाँ, कुछ भी आप जो चाहें आप वो पा सकते हैं। तो बात करते हैं 369, ये एक टेक्निक है। सबसे पहले आपकी कोई भी विषय है, अगर मान लीजिए कि आप अपने बिजनेस में, किसी रिलेशन में कोई गोल है, अगर आपका किसी भी चीज़ को अगर आप पाना चाहते हैं, तो 17 सेकंड के लिए उस चीज़ पर आप फोकस करें। पूरे 17 सेकंड तक आपने फुल फोकस के साथ उस ही बात को अपने मन ही मन दोहराना है, फील करना है कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप किसी रिलेशन को बेटर करना चाहते हैं, तो आप इस ऐसा फील करें हाई वाइब्रेशन के साथ कि आपका वो रिलेशन अच्छा हो गया है, आप उस रिलेशन में बहुत अच्छा फील करते हैं, आप उस रिलेशन में बहुत खुश हैं। अगर आप कोई नौकरी पाना चाहते हैं, कोई बिजनेस गोल है अगर आपका, आप अपनी विश को वहाँ पर रखें और उसको फील करें। आपने ये काम सुबह उठते के साथ ही, सुबह जिस समय आप उठते हैं, बिस्तर पर लेटे लेटे ही आपने ये काम करना है। आपने 17 सेकंड के लिए अपनी उस विश को, उस पूरे फोकस के साथ आपने 17 सेकंड अपनी विश को मन ही मन दोहराना है, मन ही मन दोहराना है, मन ही मन दोहराना है। और ऐसा आपने 3 बार करना है, 17 सेकंड के लिए आपने ऐसा 3 बार करना है। उसके बाद आ जाएं आप दोपहर में। जब आप उस विश को दोपहर में फिर से आप करते हैं, ये आप 11-12 बजे कर सकते हैं, तो उस दौरान जो आपकी विश है उसमें आपने पूरी एक ऊर्जा भर दी होती है। वो जो आपका थॉट होता है वो हाई लेवल का हो जाता है। थॉट मतलब विचार, जो आप सोच रहे थे अपने गोल के बारे में, अपनी विश के बारे में, अपने रिलेशन के बारे में, वट एवर यू वॉन्ट, जो भी आप सोच रहे थे, आपने सुबह के समय 3 बार करके 17 सेकेंड के लिए पूरे फोकस के साथ अपनी विश को आपने जो है एक्टिव कर दिया है, उसको ऊर्जा दे दी है। वही काम आपने दोपहर में करना है, 17 सेकंड के लिए 6 बार फुल फोकस के साथ फील करते हुए, एहसास के साथ कि आप वो चीज़ हो रही है आपके साथ। अगर आपके साथ कोई चीज़ हो रही होती है जो आप चाहती हैं, तो आप कैसा फील करेंगे? वो बॉडी से आपके वो वाइब्रेशन निकलनी चाहिए, वो खुशी, वो एहसास आपको होना चाहिए। ओके, 6 बारी 17 सेकंड के लिए उसकी ऊर्जा को आप और ज़्यादा हाई लेवल पर पहुंचा देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और यही काम आपने जो है रात को सोते समय करना है, 9 बारी 17 सेकंड के लिए। जब आप बिस्तर पर जाते हैं, जब आप सोना शुरू कर देते हैं, जब आपके लगे आपको नींद आ रही है, तब आप ये करना शुरू कर दीजिए। 17 सेकंड के लिए 9 बार फिर से आपने अपनी उसी विश को मन ही मन दोहराना है। और ये काम आपको लगातार 21 दिन करना है, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिराकल होना शुरू हो जाएगा। आपकी इच्छा, आपकी विश आपके जीवन में उतर जाएगी। होता ये है, जब उसी चीज़ पर हम पूरा फोकस करते हैं, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। और जो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वो चीज़ हमारी लाइफ में होती रहती है।
वो चीज़ हमारी लाइफ में घटित हो जाती है। कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं, आप रिलेशन ले सकते हैं, अच्छी जॉब ले सकते हैं, गुड रिलेशनशिप ले सकते हैं, अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन उस रिश्ते में जो है अच्छाई होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। किसी का बुरा करने के लिए कुछ भी ना करें। मैं पहले बता रही हूँ, किसी का बुरा करने के लिए कुछ करोगे तो भगवान कभी आपकी मदद नहीं करेंगे। तो आपके इरादे बिल्कुल नेक होने चाहिए और जो आप चाहें वो बैठा है, लेकिन हमें मांगना नहीं आता। इस तरीके को फॉलो करो, आप देखेंगे आपके जीवन में कितने बढ़िया वाले चेंज आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस करें। धन्यवाद।